1980 में शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा देखते ही देखते कई पड़ावों व मंजिलों को तय कर चुकी है। कभी दो सांसदों वाली ये पार्टी आज की तारीख दूसरे सहयोगी दलों के लिए दो चार सांसद और विधायक जितवा रही है। 6 अप्रैल को बीजेपी अपना स्थापना वर्ष मना रही है। 42 साल की हो चुकी ये पार्टी अपनी विकास यात्रा में कई महत्वपूर्ण और यादगार पल देखे। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की स्थापना की गई थी। जनता पार्टी से अलग होकर एक ऐसे दल की नींव रखी गई जो भारतीय राजनीति में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली पार्टी के रूप में विख्यात हुई। बीजेपी के पहले अध्यक्ष स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा का आज स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को लेकर पार्टी की तरफ से कई तरह की तैयारियां की गई हैं। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और देश भर की पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि स्थापना दिवस तीन वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जिसमें पहला है देश की आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, दूसरा कारण तेजी से बदलती वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर, इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही हैं, तीसरा कारण कुछ समय पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार वापस लौट गई है, 3 दशकों बाद राज्यसभा में किसी पार्टी की संख्या 100 पर पहुंची है। स्थापना दिवस के मौके पर भाजपा ने आज कई कार्यक्रमों का आयोजन किया है, जिसमें भाजपा के सभी मंडलों, जिला कार्यालयों में ध्वजारोहण किया जाएगा। इस दौरान शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। इसके साथ ही भाजपा के मुख्यमंत्री, मंत्री एवं विधायक विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 7 से 20 अप्रैल तक पूरे देश में सामाजिक न्याय पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जिले और मंडलों तक ले जाने का भी काम करेंगे। 12 अप्रैल को टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर बूथ स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भाजपा ने विदेशी राजनयिकों को पार्टी मुख्यालय पर आमंत्रित किया है, उन्हें पार्टी के बारे में विशेष जानकारी भी दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, लखनऊ।